ब्यूटीफुली मेड। हेलो, कैसे? ठीक, आप कैसे हैं? हम थका हुआ है और बाकी अपडेट आमोस देगा अपना वीडियो में। अच्छा, गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज है लास्ट डे ऑफ आवर नम कॉस। आज हम लोग लीव कर रहे हैं यहाँ से तेजू के लिए, जो कि है यू नो एज वेल इट्स 267 किलोमीटर्स, 3 आवर्स ऑफ जर्नी। बट हम लोग आज थोड़ा सा, क्योंकि हमारे साथ दूसरे ग्रुप भी है जो कि है सोनपुरा का मिस्मी ताकिन, तो उन लोगों के साथ शिवसागर होके हम लोग थोड़ा सा शिवसागर को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे गाइज। तो माइट बी इन द इवनिंग विल रीच होम। तो अभी अपना बैग्स वगैरह सब कुछ पैक हो गया है, टेंट वेंट, गाड़ी निकल रहे हैं अभी। तो इसके बाद अपन हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर निकल जाएंगे गाइस। तो रेज भाई, कैसा लगा आपको ये 3 दिन? बढ़िया लगा, बढ़िया लगा। ये यहां तो और सो गाड़ी यहां से निकल रहा है, सो सब लोग अभी आस्ते आस्ते करके निकल रहे हैं गाइस। तो इट वॉज वंडरफुल 3 डेज ऑफ इवेंट, बढ़िया था। चलो तो फिर अब निकलते हैं गाइस फटाफट यहाँ से ब्रेकफास्ट एरिया पे, फिर मिलता हूँ आप लोगों ब्रेकफास्ट के डाइनिंग टेबल पे। सो गाइस, तो अभी बजा है सुबह के 8:15 और हम लोग सब लोग कैंप साइट छोड़ के अभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं। तो बाकी लड़के चले गए, मैं और डेविड दा हूँ यहाँ पर। तो डेविड दा, कैसा लगा आपको ये 3 दिन का प्रोग्राम? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया। ये मेरा पहली बार है और आज लास्ट राइड है। और होते रहेगा आगे होते रहेगा वो तो, लेकिन यहाँ का इस इवेंट का लास्ट राइड है। चलो तो गाइस फिर चलते हैं अंदर, देखिए नज़ारा, सब लोग अपने अपने घरों के लिए रवाना ग्रुप्स। चलो तो फिर देखते हैं ब्रेकफास्ट एरिया कहाँ पर है। हेलो, फॉर्किन वाला आवो। अच्छा, निश्चित नहीं आवला। आवा निश्चित हो? नहीं। ला, बैठो। आज कैंप जाने से ना। ब्रेकफास्ट से। तो हम लोग ग्रुप से कहाँ था? वेर इज आवर? ठीक है। ये नो पढ़ने से। चीफ देखो, चीफ ब्रेकफास्ट के लिए इतना जल्दी जल्दी। सो तो गाइस की किचो बटर ब्रेड बनाना एंड एप्पल। ओके, ग्रेट ग्रेट। चलो भाई, तो नाश्ता कर होने के बाद अब हम लोग रुके हैं फॉर तेम्बा, क्योंकि वो वॉशरूम गया है। तो इसके बाद यहाँ से निकले, तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाबुलदा जो कि तेजू तक जाएंगे। इज फ्रॉम ABC हमारे चीफ साहब। सिर्फ खाओ सो उठो, इंजॉयमेंट तो पुल भैया ने किया सबसे ज़्यादा। पुल भैया ने सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट किया इसमें। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा है, यहाँ पर आके इंजॉय किया है। सही हो यार, एवरीवन इज लीव। Look at this. ये बैग देखो क्या मस्त बनाया ना, ब्यूटीफुली मेड, क्लासिक 500, ब्यूटीफुली मेड। इज इट योर्स? इज इट योर्स? बाय बाय गाइस, बाय बाय, सेफ जर्नी।
बाय। अभी क्या? अभी पीछे चलना है ना क्या? और कुछ बाकी है क्या? चलो तो फिर अब निकलते हैं। यहाँ बाबुल दा का बाइक देखो यार, क्या मस्त बनाया हुआ है ना। लुक एट दैट लाइट एंड अप, परफेक्ट टूरर। तो बाबुल दा हमारे साथ जाए, ज्वाइन करेंगे। चलो तो यहाँ से निकलते हैं गाइस। It was wonderful experience guys, first time ऐसा बड़ा इवेंट है विद मोटरसाइकिल्स एंड एवरीथिंग आई हैव मतलब विटनेस किया है। इट्स वेरी लाइक क्या बताऊँ, आके एक्सपीरियंस करना इज बेटर। आपको जो मैंने कैप्चर कर दिखा है वो तो फ्यू ऑफ दिम राइट, कुछ कुछ क्षण है। और हमारा ओमोस भाई सुबह सुबह निकल गया डीमापुर, द किंग ऑफ डीमापुर। तो वो हमारे साथ तेजू नहीं जा रहा है, तो अभी हम लोग लाइक 7 लोग है। गाड़ी आगे निकल गई हमारी, सुबह भेज दिया उसको। तो फिर से अभी बेम्बू वाली ब्रिज यहाँ पर धूल उड़ा के देख रहा है। तो अब चढ़ा जाएगा बेम्बू वाली ब्रिज में। धूप तो बहुत कड़ा है रे भाई, धूप बहुत कड़ा है, आंख पे लग रहा है। सो गाइज अभी हम लोग वहाँ से रोड पे निकल गए हैं मेन हाईवे की तरफ। सबसे पहले हम लोगों को ढूंढना है पेट्रोल पंप। तो यहाँ विक्की ढूंढ रहा आगे, तो आगे है पेट्रोल पंप, चलो फिर। और यहाँ से जो रोड है ना बहुत नैरो और छोटा रोड है ये, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस तरफ गाइज, तो ऑलवेज बी केयरफुल इन दिस रोड। छोटा है, जैसे कपल ऑफ किलोमीटर्स के बाद ये रोड ब्रॉड हो जाएगा तो उस पर हाईवे पे राइड करना मज़ा आता है। लेकिन ये इसमें देखना अभी थोड़ी देर बाद ट्रक्स एच एंड एवरीथिंग, क्योंकि इस तरफ साइड पे वो काम चल रहा है तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। जब स्टार्ट होगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये बेस्ट होगा। तो अपना अभी है हंटिंग फॉर पेट्रोल पम्प, तो अभी हम लोग हंटिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। No petrol pump over here. So guys, अभी हम लोग शिव सागर
के वहाँ जो ये लेक साइड के किनारे पे हैं, तो ये देखिए, आई थिंक दिस इज़ द ओल्डेस्ट आर्किटेक्ट आई गेस। क्या चीज़ है ये, लेट्स पढ़ते हैं इस। झील देखिए, झील, लेक, इतना बड़ा। तो कोई मंदिर है, क्या कर रहा हो? So guys, मेरे पीछे आप देख सकते हो, that is शिवादल। Welcome to शिवादल, it's over here। It's temple, शिवजी का। काफ़ी पुराना मंदिर होगा, लेकिन गाइस इट्स नॉट रिटन इन इंग्लिश, सो आई कैन नॉट ट्रांसलेट यू, इट्स ऑल इन असमीज, सो आई कैन नॉट रीड इट दैट लैंग्वेज। लुक एट दिस ब्यूटीफुल इट इज राइट ओवर हियर। एक फोटो तो बनता है भाई इससे। मीन्स नाम के द्वारा मुझे शिवसागर घूमने का थोड़ा सा मौका भी मिल गया। एक मतलब अद्भुत जो स्ट्रक्चर है ये वाला, देखिए अब ये, इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं। एनीबॉडी फ्रॉम शिवसागर हु इज़ वॉचिंग माई व्लॉग, काइंडली टेल मी व्हाट इज़ दिस अबाउट एंड व्हेन। मुझे रिसर्च करना पड़ेगा इसे। यहाँ पे देखिए, इट्स ओल्ड एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल गाइस, लुक एट दिस। यहाँ पे पूरे सो तो गाइस, ये रहा शिवसागर का शिवादल। तो उस पार आपको मिल जाएगा झील, थैंक यू सर, झील वगैरह। लुक, हेलो, ठीक, आप कैसे हैं? हम तेजू अरुणाचल, अरुणाचल से, हम देखे चले, थैंक यू, बाय बाय। देवड़िया कति पुराना होला यो? बहुत पुराना है, नो इन्फॉर्मेशन, नथिंग, के भी छैन त्यसको बारेमा, त्यही त सब सामेजमै छ। वही चीज गाइस हम ढूंढ रहे हैं, शिवसागर टेम्पल डेवलपमेंट बोर्ड इन्फॉर्मेशन। चलो गाइस अंदर जाके पूछ लेते हैं इसके बारे में हिस्ट्री। अच्छा यहाँ पर है वर्चुअल पेट्रोल ड्राइव, अपने पास स्कैनर नहीं है यार। बाकी लोग निकल गए, चलो 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 फिर। काफी पुराना है ये,
तो कैसा लगा डेविड दा ये चीज देख के? एक नम घूम इवेंट और वो करने के बाद लाइक फिर अपने को घूमने का मौका मिला, जगह देखने का मौका मिला गाइज, विच इज अच्छा है क्योंकि अब हम लोगों को देखिए इस पे इस जगह आने का काम तो कुछ पड़ता नहीं है राइट। सो लग गया तो नाम के द्वारा वी कैन सी दैट इज मॉन्यूमेंट एंड द ब्यूटीफुल वन। सो तो मंदिर से निकल गए अभी हम लोग, तो आगे और एक हमारा ही वहाँ का दूसरा ग्रुप है। ओफा रेड लाइट हो गया, आई हैव टू कम बैक। ध्यान नहीं दिया तो वहाँ पर विपुल जो हमारी तेजू के लेकिन वो दूसरे क्लब से है, द हेड हंटर्स, तो मेरे पीछे बबुलदा जो कि अरुणाचल बुलेट क्लब के हैं, तो हम लोग सब तेजू के हैं। लेकिन थैंक यू विपुल, गाइस राइट नाउ मैं हूँ रंगघर जो कि शिवसागर पे राइट। तो ये यहाँ पर हिस्ट्री है इसके बारे में, अहोम राजा ने बनाया था ये 1744 टू 1755 टू वॉचिंग फॉर वॉचिंग द गेम्स ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल लाइक वहाँ पे। और डोम यहाँ पर लिखा है इन्वर्टेड बोट डोम हैविंग द मकर क्रोकोडाइल इन द एंड राइट। सो लुक एट दिस, दिस इज द थिंग ब्रदर गाइस के बारे में। तो जनरली क्या होता था, मतलब इस पे लिखा है कि गाइस ये मतलब राजा जो पहले राजा थे ना अहोम राजा, तो उन लोग चिड़िया वगैरह बर्ड्स वगैरह ये कंपटीशन वगैरह देखने के लिए यहाँ पर आके देखते थे। सो दिस इज सो यहाँ पर सब जगह पर स्टोन पे कर्विंग करके बताया गया है कि कहाँ पर आपको कैफेटेरिया है, कहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर है राइट, टॉयलेट्स कहाँ पर है, वहाँ पर ये देखिए इस तरह के पिंजानों ने तो ख़त्म करके रख देता है बैठा हुआ है यहाँ पे, इट्स नॉट गुड। वो देखो वहाँ पे फोटोज़ वगैरह क्लिक हो रहा है, उस तरफ देखो जहाँ पर कुश्ती चल रहा है वहाँ पर भाई लोग फिर से कुश्ती कर रहे हैं सेम पोजीशन। चलिए तो अंदर चलते हैं देखते हैं गाइस कैसा है अंदर, चलो फिर। तो गाइस बताना कि अंदर मतलब कैसा लग रहा है आपको ये व्लॉग्स वगैरह देख के, आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, जस्ट डू कमेंट्स बिलो। चलो तो अंदर। सो गाइस मैं पहुंच गया सामने, कुछ ही कदम का था, देखिए ऊपर जाने ले रास्ता होगा बैक से उस जमाने का ना आर्किटेक्चर, पहला जमाने का है ये भाई। सो यहाँ से उठ सकता है रास्ता है टू गार इन। लुक एट दिस कवर, सीढ़ी वगैरह देखो गाइस कब का बनाया है, आदमी पर चल के घिस गया है ये सब। सब मतलब आस्ते आस्ते समय के साथ वक्त के साथ
जो भी बनाया हुआ था वो ख़त्म होते जा रहा है। तो मीन्स पहले ज़माने में ना गाइस तो राजा वगैरह यहाँ से मतलब बाहर बैठ के आराम से वो देखते होंगे, क्या मस्त सा व्यू है देखो। सो तो गाइस अब निकलते हैं यहाँ से घर की ओर, काफ़ी टाइम हो गया, ये रास्ता भी लंबा है, तो निकलते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग में मज़ा आ रहा होगा देखने के लिए। डू कॉमेंट्स बिलो कि कैसा क्या लग रहा है गाइस। ओके चलो तो फिर मिलते हैं रोड पे। सो गाइस तो यहाँ से अब निकलने की तैयारी हमारी शिवसागर से। हम लोगों ने शिवदौल देखा एंड फिर रंगघर देखा, मुझे सबसे बेहतरीन रंगघर लगा। तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम, तो अपने पास है 5 hours and 3 minutes टू रीच लाइक 4 PM। तो अभी अपने को लाइक 11 बजा है, एक ही बार अपन 1 घंटे बाद जाके रुकेंगे। तो गाइस ऑन द वे यही है जाम, यहाँ पर काफ़ी जाम है, तो एक ही बार हाईवे पे जाके मिलता हूँ गाइस आप लोगों को। सो गाइस हम लोग हाईवे निकल गए हैं अभी, लेकिन आप हाईवे देख सकते हैं बहुत नैरो और छोटा है, राइट। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए ये छोटा है। तो मतलब एक ही वे है दोनों तरफ। तो गाइज अभी भागना है, काफ़ी लेट हो चुका है, टाइम ऑलरेडी बीन 11, राइट। सो अभी भगाना है गाड़ी को, तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद। अभी भी हम लोगों को 5 घंटे का टाइम है पहुंचने का। सो गाइस राइट नाउ वी आर एट मोरान टाउन, राइट। तो चाय का टपरी ढूंढना पड़ेगा अभी चाय पीने के लिए। आगे कहीं देखता हूँ, और 4 घंटा बाकी है। गाइस तो चलो आगे अब बढ़िया सा जगह देख के। तो गाइस हम लोग रुके हैं बोरबोरुआ जंक्शन पर। तो यहाँ से आगे आपका हाईवे मतलब बाईपास है वो वाला, तो अपन निकल जाएंगे वहाँ से तेजू की तरफ दुमदुमा होके। तो यहाँ पर हम लोग है खाने के लिए ढाबे पे, तो चलो फिर खाना वाना खा के निकलते हैं गाइस। सो गाइस खाना वाना हो गया, अब यहाँ से निकल रहे हैं अपन, राइट। तो भाई लोगों के साथ फोटो सेशन भी हुआ थोड़ा सा, चलो फिर निकलते हैं। तो ओके लेट जा, चलो चलो। तो गाइस निकलते हैं अब यहाँ से। चलो नाउ वी यस। सो गाइस दिस इज नोन एज डिब्रूगढ़ बाय तो गाइस दिस इज डिब्रूगढ़ बाईपास रोड। ये आपका 13 किलोमीटर्स तक है,
चलो तो फिर निकले। अभी हमारे पास लाइक 3.5 आवर्स और है घर पहुंचने के लिए। माइट बी एज पर द गूगल इट सेज 5:21। लेट्स सी। सो गाइस टाइम हो गया है अराउंड 3:12 और अभी भी हमें जाना है 2 आवर्स एंड 11 मिनट्स। तो अपने को निकलना है माकुम और दुमदुमा होते हुए। चदिया वाला तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा हम लोगों को। तो हम लोगों को लगता है वी विल रीच आवर होम लाइक 6:30 क्योंकि बीच में स्टॉपेज तो होगा ना। गाइस अब यहाँ से 15 किलोमीटर दूर अपना असम और अरुणाचल बॉर्डर है विच इज नोन एज दिराक। लेकिन इससे पहले ये देखो नज़ारा यहाँ का। तो गाइस तो फाइनली हम लोग पहुंच गए जहां से शुरुआत किया था वहीं आज फिर हम लोग अलविदा का समय यहीं से हम लोग शुरुआत किए थे सुबह को 1 तारीख को। आज 4 तारीख हो गया है तो हम लोग ख़त्म 3 दिन का प्रोग्राम। तो सब लोग यहां पर चाय के लिए रुके हुए हैं यहां पर। तो सबसे पहले मैं अपने चीफ साहब से पूछना चाहता हूँ कहाँ गए चीफ। अच्छा तो आपको आज का राइड पूरा होल टोटल कैसा लगा। बहुत ही बढ़िया बहुत ही अमेजिंग और ये हम लोग का शुरुआत है इससे और बड़ा बड़ा राइड हम लोग करने वाला है सो स्टे ट्यून्ड। तो फिर स्वीपर साहब बहुत दूर खाया रूल बहुत ही खाया लेकिन बड़ा मजा है यही तो मजा है राइड में यही राइड में। और प्रोग्राम के बारे में प्रोग्राम तो काफी बढ़िया रहा ये मेरा फर्स्ट टाइम था का तो बहुत ही अच्छा रहा। तो सबसे ज्यादा मस्ती करने वाला हमारे ग्रुप का कौन बसंत भैया। बसंत भैया डीजे ड्रैग रेस में भी उन्होंने पार्टिसिपेट करने वाला था लेकिन उनका क्लासिक है। मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर वो अपने हिमालयन लेके चलेंगे हमारे साथ ट्राई करेंगे। तो आपको कैसा लगा भैया। एकदम बढ़िया है लोग भी अच्छा था ना और हम लोग तो नया नया पहले बार अटेंड कर रहे हैं तो अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा। बस भैया बोलिए आपको कैसा लगा। बहुत मजा आया। क्या पार्ट अच्छा लगा क्या पार्ट खराब लगा आपको। बाइक का पार्ट नहीं मतलब वहाँ पे प्रोग्राम में। प्रोग्राम में सब ठीक ही था बस भाई गए नहीं गाइस मैं सो रहा था हम तो 5-6 घंटा सोया हुआ था कि राइस गए राइस गए पूरा लेकिन बहुत सोया है ना सोया लेकिन नींद पूरा अच्छा है ना कुकर लेकिन ज्यादा नींद वहां अच्छा है ना। तो अब बचा हुआ है हमारा भाई सिर्फ और पेम्बा थका हुआ है और बाकी अपडेट आमोस देगा अपना वीडियो में। अच्छा और हाँ हमारा पुल भाई का क्या उसी में गाना नहीं सुनेगा बोल रहा है क्या बोल रहा है यहाँ पर पेम्बा पेम्बा के भाई वो गाना तो फर्स्ट राइट था बहुत काफी अच्छा लगा है वही कुछ कुछ नया नया एक्सपीरियंस हमको मिला है बहुत कुछ लगा और हम लोग गाइड करने के लिए हम लोग भाई सब लोग सब बहुत अच्छा किया ऑब्वियसली बिकॉज हम लोग क्या बोलेगा ब्लॉगर जो है बहुत बढ़िया बनाना चाहिए और बहुत बढ़िया होना चाहिए बोल के वही बोलते हैं हमको बोलने नहीं आते। यो, तो यो, यहाँ पर जो भी इस वीडियो को देख रहा है नया है लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और आने वाले दिन में ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको मिलते रहेगा। चलो तो गाइस थैंक यू टू एवरीवन और फिर मिलेंगे बाय बाय।